हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मालाराम सर पर। तो साइंस का हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, तो HSSC के अंदर अभी तक 2015 से 2021-22 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन है साइंस के, उनका पार्ट फर्स्ट कर लिया था हमने, जिसके अंदर हमने 70-80 क्वेश्चन कवर किए थे। और अब ये उसका पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर जो बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए उनका अध्ययन करेंगे हम। देखो सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट दे रखा है शाकनाशी, प्रतिजैविक, स्टीरोइड हार्मोन्स, अकार्बनिक यौगिक। तो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन। क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेरॉइड हार्मोन्स। चलो आगे चलते, देखो सेकेंड क्वेश्चन, दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क विद विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल। तो इसके अंदर दे रखा है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो दुग्ध का उत्क्षेपण होता है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन होता है ना, ये तो क्या होता है, दुग्ध का उत्पादन करता है। क्या करता है, दुग्ध का उत्पादन, ये ध्यान रखना आपको। चलो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, डीएनए के अणु में न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं। तो डीएनए होता है ना, सबसे पहले तो आपको डीएनए की फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए की क्या होती है, फुल फॉर्म। तो जो डीएनए होता है ना, वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से। किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो N2 क्षार होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होती है, जो भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्यूरीन होती है और सेकेंड होती है प्रीमिडीन। एक होती है प्यूरीन, दूसरी होती है प्रीमिडीन। तो नाइट्रोजन क्षारक होगी, प्लस में क्या रहेगी, पेंटोस शुगर। कौन सी होती है, पेंटोस शर्करा होती है। कौन सी होती है, पेंटोस शर्करा। प्लस में क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो डीएनए का जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, उसके अंदर N2 क्षारक होती है, पेंटोस शर्करा होती है और क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये ध्यान रखोगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला, नाइट्रोजनी क्षारक, जो दो प्रकार की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। इसके अलावा क्या होती है, पेंटोस शर्करा। पेंटोस शर्करा कौन सी होती है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। कौन सी होती है, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। प्लस में क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, जो होता है H3PO4। कौन सा होता है, H3PO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल होता है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक प्राणी जो मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है, तो ए ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो जो मुकुलन होता है ना, वो पूछ रहा है कि मुकुलन किस किस के अंदर होता है। तो इसमें दे रखा है ब्रायोफाइटा, खमीर ईस्ट, हाइड्रा और उपरोक्त सभी। तो जो मुकुलन होता है ना, वो ब्रायोफाइटा के अंदर भी होता है, खमीर में भी होता है, ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा के अंदर भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑल ऑफ द अबो, तो उपरोक्त सभी। तो ये सभी के अंदर कौन सा होता है, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, जैसे जो भी प्लांट रहेगा ना, उसका क्या होता है, अगर एक भी भाग क्या होता है इसका अलग होता है, उसी भाग से क्या होता है, फिर नया प्लांट बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो मुकुलन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, उपरोक्त सभी। देखो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इसमें दे रखा है ब्रेन, लीवर और आपको दे रखा है इंस्टेटाइन और स्किन। तो इसमें जो आंसर दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में, ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा रहेगा, स्किन। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना, वो क्या होती है, पूरे बॉडी के ऊपर होती है। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा रहेगी, स्किन, त्वचा होती है। चलो और देखो अगला क्वेश्चन,
विकास के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो विकास का प्राकृतिक सिद्धांत है ना, वो किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, डार्विन। जो मेंडल है ना, मेंडल ने क्या दिया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत। क्या दिया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत। जो हुक है ना, उन्हें क्या की थी? जो हमारी सेल होती है ना, कोशिका की खोज की थी, कोशिका की खोज। और जो पास्चर था ना, उन्होंने क्या किया था? जो पास्चर है ना, उन्होंने दिया था पास्चर का नियम, या फिर पास्चुराइजेशन, जिसमें क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर कर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एकदम से क्या करते हैं, उसको अगर ठंडा करते हैं, तो फिर उसका क्या हो जाता है? पास्चुराइजेशन। फिर वो वस्तु खराब नहीं होती। जैसे किसका करते हैं? हम दूध का पास्चुराइजेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको थैलियों के अंदर डाला जाता है, तो वो दूध खराब नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, डार्विन। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाइपोथायरॉइडिज्म में कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? तो जो हाइपोथायरॉइडिज्म होती है ना, उसके अंदर कौन सा बढ़ जाता है? TSH हार्मोन। कौन सा होता है? TSH हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म होती है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी मात्रा बढ़ती है किसके अंदर? हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर। ये ध्यान रखना। चलो देखो अगर पौधों का कौन सा ऊतक उसके शरीर को खाना पहुंचाता है? ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि जो वाटर होता है ना, पानी, उसका परिवहन कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था, पैसे तो क्या ध्यान रखोगे आप, पानी नहीं ध्यान रखना, आप किससे ध्यान रखोगे? आप जल से। जैसे ही जल होता है, और जैसे ही क्या होता है? जाइलम। तो जाइलम तो क्या करता है? पानी का परिवहन। और मैंने बताया था, जो पत्ती होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? पत्ती के अंदर क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है पैसे, पत्ती, और पैसे क्या करोगे आप? फ्लोएम। तो जो भोजन रहेगा ना, खाना, उसको कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? फ्लोएम। चलो देखो अगला क्वेश्चन। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, वो किसके अंदर परिवर्तित होता है? फल, फ्रूट के अंदर। किसमें होता है? फ्रूट के अंदर। किसमें होगा? फ्रूट में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सी, फ्रूट। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है। हार्मोन विच इंक्रीज मिल्क सिक्रेशन इन ह्यूमन इज नोन एज। तो जो ह्यूमन के अंदर जो दूध होता है ना, उसका सिक्रेशन होता है, वो किसके कारण होता है? कि वो हार्मोन विच इंक्रीज मिल्क सिक्रेशन इन ह्यूमन इज नोन एज। तो कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, मानव के अंदर क्या करता है? दूध का सिक्रेशन करता है। तो वो कौन सा रहेगा? प्रोलैक्टिन। कौन सा रहेगा? प्रोलैक्टिन, करेक्ट आंसर। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा? करेक्ट, प्रोलैक्टिन। चलो अगले क्वेश्चन देखो। लेप्रेसी बैसिलस की खोज किसने की थी? तो लेप्री बैसिलस क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। क्या होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु। इसकी खोज किसने की थी? हैंसन ने। किसने की थी? हैंसन। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज किसने की थी? हैंसन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, हैंसन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। प्रति अमल टैबलेट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले हल्के क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये दुर्बल क्षार होता है, हल्का क्षार होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, अगर एसिड की मात्रा बढ़ती है स्टोमच, पेट के अंदर, तो उसको क्या कर देता है? ये उदासीन कर देता है। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। क्या होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, पत्तियों के माध्यम से वानस्पतिक परिवर्धन किसमें होता है? तो जो पत्तियां होती है ना, लीफ के द्वारा वानस्पतिक परिवर्धन किसके अंदर होता है? इसके तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एस्पिरेगस, डहलिया और गुलदाउदी। आगे मिलेंगे इसके ऑप्शन, एस्पिरेगस, डहलिया और गुलदाउदी और ब्रायोफाइलम। तो जो जो पत्तियों के द्वारा जो क्या होता है, निषेचन होता है ना, निषेचन, या फिर हम बोल सकते हैं अलैंगिक जनन,
क्या बोल रखा है, वानस्पतिक प्रवर्धन, जो अनिषेचक जनन होगा वो किसके अंदर होता है, ब्रायोफाइलम में, किसमें होगा, ब्रायोफाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी ब्रायोफाइलम। चलो देखो अगला क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु का संयन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक प्लेस एट। तो जो अंडाणु और शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु तो किससे मिलता है, पुरुष से, और अंडाणु किससे मिलेगा, महिला से। अगर ये दोनों क्या करते हैं, संयन करते हैं, तो संयन प्लेस कहाँ संयन होता है, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो देर का है, ओवेरी अंडाशय, यूट्रस गर्भाशय, वेजिना योनि, और डी ऑप्शन दे रखा है, फ्लोपियन ट्यूब। तो जो शुक्राणु और अंडाणु होता है ना, इनका मिक्स कहाँ होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं, कहाँ होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी फ्लोपियन ट्यूब। टेस्टिस द्वारा स्रावित नरलिंग हार्मोन है, हार्मोन्स सीक्रेटेड बाई टेस्टिस इज। तो जो टेस्टिस होती है ना, उसके द्वारा जो नरलिंग हार्मोन होता है ना, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। यही क्या करता है, जो पुरुष होते हैं ना, उनमें क्या करते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं ना, उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ए टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन होते हैं ना, ये दोनों किसमें होते हैं, महिला में सीक्रेट होते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो किसके अंदर होता है, नर के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, मानव हृदय के दाएं हिस्से में, इन राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, मिश्र रक्त होता है, डी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। तो जो राइट पार्ट होता है ना, एक तो रहेगा राइट पार्ट, एक रहेगा लेफ्ट, एक तो रहेगा राइट पार्ट और सेकंड कौन सा रहेगा, लेफ्ट। तो जो राइट पार्ट होता है ना, उसके अंदर तो क्या होता है, डी ऑक्सीजनेट, कौन सा रहेगा, डी ऑक्सीजनेट, या हम बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त। और जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड, जिसे हम बोल सकते हैं शुद्ध रक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, करेक्ट आंसर सी, डी ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, एंजाइम पेप्सिन पेट में किसके निष्क्रिय होता है। तो जो पेट होता है ना हमारा, स्टोमच होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, उसके बिना जो पेप्सिन होता है वो क्या रहेगा, निष्क्रिय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा हिस्सा पुतली का आकार नियंत्रित करता है। तो जो हमारी पुतली होती है ना, उसका आकार कौन नियंत्रित करता है, आयरिस करती है, कौन करती है, आयरिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, बी आयरिस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म इन आई फ्रॉम विच लाइट पासेज आउट। तो आप ये बोल रहा है कि जो हमारी आंख आई होती है ना, आंख, उसके अंदर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होती है, थिन फिल्म रहेगी, जिसमें क्या होती है, जो हमारा प्रकाश होता है ना, वो क्या करती है, लाइट पास होती है। तो वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, वो कॉर्निया, कॉर्निया से क्या होती है, लाइट आसानी से पास होती है, और वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, कॉर्निया सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेफ्रोन के कप आकार की संरचना को कहा जाता है। तो जो नेफ्रोन होती है, नेफ्रोन क्या होती है, हमारी जो किडनी होती है ना, वर्क किडनी, जिसे हम बोलते हैं वर्क, जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो कप आकार संरचना होती है ना, क्योंकि किडनी की हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसको बोलते हैं, नेफ्रोन को, किसको बोलते हैं, नेफ्रोन। और जो नेफ्रोन होती है ना, उसके अंदर जो कप आकार संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल, क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ए। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम किस विधि से, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस थ्रू विच प्रोसेस। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो किसके द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। तो इसमें दे रखा है फ्यूजन विखंडन, बाइनरी फ्यूजन,
मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग। तो जो प्लाज्मोडियम होता है ना, वो क्या करता है, एकाधिक विखंडन द्वारा, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम रहेगा वो क्या करता है, कई हिस्सों के अंदर टूटता है मल्टीपल, तो इसका न्यूक्लियस कई हिस्सों में टूटता है, और जो भी नया हिस्सा रहेगा ना वो क्या बनाएगा, नया प्लाज्मोडियम बनाता है। क्या करता है, नया प्लाज्मोडियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी, एकाधिक विखंडन। चलो अगले देखो, अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉन्स का जंक्शन कहा जाता है। तो जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, नर्वस सिस्टम, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स। क्या होती है, न्यूरॉन्स, इसी की तो स्ट्रक्चर होती है। तो न्यूरॉन्स रहेगा ना, एक न्यूरॉन्स अगर जो दूसरी न्यूरॉन से क्या होती है, जुड़ती है, तो उसी पार्ट्स को क्या बोला जाता है, सिनेप्स। क्या बोलते हैं हमें, सिनेप्स। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सिनेप्स, ये ध्यान रखना आपको। तो जो दो न्यूरॉन्स बनती हैं, जो उनका जंक्शन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्योंकि ये न्यूरॉन्स क्या करती है, हमारे शरीर की जो भी क्रिया होती है ना, उसको क्या करती है, कहाँ तक पहुँचाती है, ब्रेन तक पहुँचाती है। कहाँ तक पहुँचाती है, मस्तिष्क तक। चलो अगले क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा तंत्रिका ऊतक बनाता है। वापस से वही क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछ रहा है आपको, जो नर्वस टिश्यू है वो कौन बनाती है, न्यूरॉन्स। कौन सी बनाएगी, न्यूरॉन्स, क्योंकि आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ऊपर न्यूट्रॉन, नीचे न्यूरॉन्स, तो आप न्यूरॉन्स के चक्कर में न्यूरॉन को नहीं टिक करना है आपको, आपको ध्यान से पढ़ने है ऑप्शन भी। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, न्यूरॉन्स। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र मौजूद हैं। तो जो हमारी मानव कोशिका होती है ना, उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46। और इनका जोड़ा बनाओगे तो क्या होता है, एक दो का एक जोड़ा बनता है, तो दो का भाग लगाओ तो कितने जोड़े हो जाएंगे, 23 जोड़े। जो मानव होता है ना, उसके अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 23। चलो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है। वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए, जो ये पीडीएफ दे रखी है ना, जो एचएसएससी क्या करती है, जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है ना, उन्हीं को कई बार क्या करती है, रिपीट करती है, तो आपको ये पीडीएफ ध्यान से पढ़नी है। तो जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है, तो वो ही वापस से पूछ रही, भोजन का स्थानांतरण किससे होगा, भोजन का जाइलम क्या होगा, जैसे जड़ और जैसे क्या होता है, जल, ये तो पानी का करेगा, पैसे पत्ती, पैसे फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का, तो भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा, फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। चलो अगले, दुग्ध स्त्रावण का आरंभ खालिस्तान कहलाता है। तो जो दुग्ध स्त्रावण होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रख सकते हो आप, जो दुग्ध होता है ना, मिल्क, उसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। इसी से आप ध्यान रख सकते हो, दुग्ध के स्त्रावण को हम क्या बोलेंगे, लैक्टोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, लैक्टोजेनेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, लैक्टोजेनेरिस। क्या बोलेंगे, लैक्टोजेनेसिस। चलो अगले क्वेश्चन, प्रकाशानु ग्रह है, फोटो ट्रांसफोजिम इज। तो प्रकाशानुग्रहण क्या होती है, प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाशानुग्रह। क्या कहलाती है, प्रकाशानुग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ए, प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, प्रकाश की ओर, रसायन की ओर, वो ही ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, तो कौन सा रहेगा, प्रकाश की ओर, करेक्ट आंसर कौन सा था इसमें, ए वाला। चलो देखो, ब्लड फॉर्म्ड ऑफ लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड। तो जो हमारा ब्लड रक्त होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड मीडियम होता है ना, वो कौन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें यही तो होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कितना, 90% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। इसके अलावा क्या होती है, इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लेटलेट्स होती है। तो जो लिक्विड मीडियम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। चलो अगले क्वेश्चन
रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए उत्तरदायी है। तो जो रक्त होता है ना हमारा ब्लड, उसके अंदर शुगर को मेंटेन कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। चलो आगे देखता हूँ ऑप्शन, कौन करता है? इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ही तो करता है। जो हमारे ब्लड होता है ना उसके अंदर क्या होती है, अगर शुगर शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। और वो कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा करता है? इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सी, इंसुलिन। चलो देखो अगला क्वेश्चन। लीफ ऑफ सेम प्लांट आर सेंसिटिव टू, तो जो सेम प्लांट होता है ना इसी को हम क्या बोलते हैं? छुई मुई। छुई मुई पादप। जो छुई मुई पादप होता है ना वो क्या होता है? किसके प्रति सेंसिटिव होता है? टच के प्रति। किसके प्रति? टच। और इसमें क्या दे रखा है? अंगीरस। तो जो किसके प्रति सेंसिटिव होता है? टच के प्रति। किसके प्रति? टच। ये ध्यान रखना आप। चलो अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के लिए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के लिए प्रयुक्त होता है, बताओ इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है ना वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो किसके लिए होता है? प्रकाश के अवशोषण के लिए। किसके लिए? प्रकाश के अवशोषण। क्योंकि जो हमारी लीफ पत्ती होती है ना उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और उसके ऊपर क्या करती है? सनलाइट। अगर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और यही प्लांट का क्या होता है? भोजन। क्या होता है? यही प्लांट का क्या होता है? भोजन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? प्रकाश का अवशोषण। चलो अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश का अवशोषण जल अणु का अपघटन कोई कार्य नहीं, CO2 का अपचयन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? प्रकाश का अवशोषण। देखो अगला क्वेश्चन। F2PD में एक द्विसंकरण का बहिर्वर्षीय अनुपात है। तो जो एक तो पीडी होती है F1, सेकंड कौन सी होती है? F2। जो F1PD होती है ना इसके अंदर अनुपात कौन सा होता है? 3:1 भी होता है, 1:2:1 भी होता है। लेकिन जो F2PD रहेगी ना उसके अंदर बहिर्वर्षीय अनुपात कौन सा होता है? 9:3:1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, 9:3:1। ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो मानव शुक्राणु का पार्ट कौन सा होता है? क्योंकि मानव शुक्राणु का पार्ट एक्रोसोम भी होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, शीर्ष तंतु भी होता है। लास्ट ऑप्शन देखो। एक्रोसोम भी होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, शीर्ष तंतु भी होता है, एंट्रम नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंट्रम। कौन सा रहेगा? एंट्रम। ये तो नहीं पाए जाते, ये तो इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमें क्या पूछ रहा है? नोट। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? एंट्रम। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन। भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना चाहिए। बताओ क्या आएगा इसमें? भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है, रोपण, निषेचन, प्रसव, अंडसर्ग। तो भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रसव, डिलीवरी। क्या कहलाता है? डिलीवरी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, डिलीवरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन। एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित करता है। तो एंजाइम का नाम पूछ रहा है कि जो क्या करता है, जो ग्लूकोज रहेगा ना उसको किस में चेंज करता है? इथाइल एल्कोहल में चेंज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इथाइल एल्कोहल का क्या रहेगा? CH3CH2OH+ में CO2। तो कौन सा एंजाइम करता है? इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा करता है? इन्वर्टेज एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, इन्वर्टेज एंजाइम। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन। गेहूं की बैकिंग गुणवत्ता खालिस्तान के कारण होती है। ग्लूटेनिन, ग्लूटेन, ग्लूटेनिक अम्ल। तो जो गेहूं की बैकिंग गुणवत्ता होती है ना वो किसके कारण होती है? ग्लूटेन के कारण। किसके कारण होती है? ग्लूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, ग्लूटेन।
देखो अगला क्वेश्चन, बोस्ट बोर्नवीटा हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समर्थ पेयों के अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? तो जो ब्यूस्ट बाजार के अंदर आते हैं, जो ब्यूस्ट बोर्नवीटा हॉर्लिक्स, तो इनके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो आता है ना, गेहूं, जई, देखो वीट, गेहूं, जे, जई, जो, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, जो, बर्ली। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो इनमें से कौन सी एक गर्भाशय की परत नहीं है? एंडोमेट्रियम भी होती है, मायोमेट्रियम भी होती है, पेरीमेट्रियम भी होती है, लेकिन एक्टोमेट्रियम नहीं होती। क्या दे रखा है ये? एक्टोमेट्रियम। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, एक्टोमेट्रियम नहीं होती। ये तीनों परत होती हैं, एंडोमेट्रियम भी होती है, मायोमेट्रियम भी, और पेरीमेट्रियम। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है? नोट ए लेयर। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? एक्टोमेट्रियम। चलो देखो अगला क्वेश्चन, सुक्रोज है, तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, एक तो होता है मोनोसैकेराइड में विभक्त करते हैं हम, किस में करते हैं, मोनोसैकेराइड, सेकंड करते हैं हम ओलिगोसैकेराइड, किस में करते हैं, ओलिगोसैकेराइड, थर्ड कौन सा होता है, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में तो केवल एक ही होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल रहेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो किसके होते हैं, मोनोसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड होता है ना, इसी के अंदर कौन सा आता है, डाइसैकेराइड, कौन सा आता है, डाइसैकेराइड, जिसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं सुक्रोज, सेकंड माल्टोज और लैक्टोज, कौन से आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जो पॉलीसैकेराइड रहेगा, उसके अंदर कौन सा आता है, ग्लाइकोजन, कौन सा आएगा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सभी किसके अंदर आते हैं, पॉलीसैकेराइड के अंदर। तो जो आपको सुक्रोज पूछ रहा है, तो सुक्रोज किसके अंदर आएगा, सुक्रोज किस में आता है, डाइसैकेराइड, क्या होता है, डाइसैकेराइड। क्योंकि जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज को अगर ब्रेक करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और सेकेंड क्या प्राप्त होता है हमें, फ्रक्टोज। तो सुक्रोज होता है ना, वो किससे मिलकर बनता होता है, एक तो इसमें होता है ग्लूकोज और सेकंड कौन सा होता है, फ्रक्टोज, कौन सा होता है, फ्रक्टोज। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइसैकेराइड। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी, डाइसैकेराइड। चलो अगले, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है, प्रोटीन प्रेजेंट इन काऊ मिल्क, तो गाय के दूध में कौन सी होती है, कैसीन प्रोटीन, कौन सी होती है, कैसीन। तो इसका करेक्ट आंसर बी, कैसीन प्रोटीन। चलो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, कोकीन इज ड्राइड फ्रॉम द प्लांट, जो कोकीन होती है वो कौन से प्लांट से प्राप्त होती है, तो कोकीन से आप क्या ध्यान रखोगे, कोका। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, एरिथ्रोजाइलम कोका, तो कौन से प्लांट में होती है, एरिथ्रोजाइलम कोका, करेक्ट आंसर ए, इससे क्या प्राप्त होती है हमें, कोकीन। चलो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, यदि कोई चीज स्थिर है या सीधी लाइन में लगातार वेग से जा रही है, तो इस पर बल का प्रयोग होने तक यह स्थिर रहेगी या सीधी लाइन में लगातार वेग से जाती रहेगी, उपरोक्त सिद्धांत खालिस्तान संदर्भित करता है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें करेक्ट टिक कर रखा है, तो कौन सा होता है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम यही बताता है कि कोई भी वस्तु सीधी लाइन में चलती रहेगी जब तक कि हम क्या करते हैं, उस पर बाह्य बल नहीं लगाते। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तीन नियम, आगे फिजिक्स के आएंगे चैप्टर तब पढ़ाया जाएगा न्यूटन का नियम, तो ये ध्यान रखना आप। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, किसका पूछ रहा है, अधातु का उदाहरण कौन सा है इनमें से, तो आपको दे रखा है एल्यूमिनियम, मर्करी, ग्रेफाइट और टिन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तीन, एक कौन सा होता है, हीरा, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड कौन सा होता है, फुलरीन। जो ग्रेफाइट होता है ना, ये अधातु होने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसमें फ्लो होती है। यहाँ तो केवल हमें क्या पूछ रहा है कि नॉन मेटल अधातु कौन सी है, तो क्या कौन सा आंसर आएगा, ग्रेफाइट। देखो अगला क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन इज
इस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, ईट पग नाच। इसे क्या बनाओगे आप? इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बनाओगे? जे जे थॉमसन। इसे बना सकते हो ना, थॉमसन। अच्छा, पैसे क्या बनाओगे? प्रोटॉन। और वैसे क्या बना दोगे? नीचे बनाता हूँ मैं, गोल्ड स्टील। गोल्ड स्टील भी बोलता है, और किसी किसी बुक में क्या दे रखा है? रदरफोर्ड। दोनों आंसर सही है। आगे दे रखा है एन से क्या बनाओगे आप? न्यूट्रॉन। और चे से क्या बना दोगे? चैडविक। क्या बनाओगे? चैडविक। तो आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड भी मिल सकता है आपको, और गोल्डस्टाइन भी मिल सकता है, गोल्डस्टाइन। और थर्ड दे रखा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, ईट पग नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पैसे प्रोटॉन, गैसे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड भी, नैसे न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जो प्रोटॉन होता है, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? उदासीन। ये ध्यान रखोगे आप, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। चलो अगले क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वो क्या कहलाता है? देखो, एक तो होता है जिप्सम। जिप्सम से ही हम क्या बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। अगर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या होगा? 1/1/2H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है इससे? बाहर। और क्या बचता है? CaSO4 ½H2O। हाफ को ही हम क्या बोलते हैं? हेमी। क्या बोलेंगे? हेमी। तो इसका क्या रहेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? हेमी हाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है? आधा। कितना होता है? आधा। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। टिश्यू ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। तो जो टिश्यू होता है ना, ऊतक, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? इस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और इस्टो का मतलब ऊतक। तो इस्टोलॉजी क्या कहलाती है? ऊतक का अध्ययन करना। चलो देखो अगला क्वेश्चन। इनमें एक परमाणु तत्व है, कौन सा? पॉली एटोमिक एलिमेंट है। पॉली एटोमिक मतलब एक से ज्यादा क्या रहेंगे इसके अंदर? एटम। एक से ज्यादा तत्व होते हैं। क्या रहेंगे? एक से ज्यादा तत्व। जो कार्बन होता है ना, वो भी अकेला होता है। कैल्शियम भी क्या रहेगा? अकेला। गंधक क्या होता है? सल्फर। सल्फर को क्या बोलते हैं हमें? गंधक। जो सल्फर होता है ना, वो कौन सी फॉर्म में होता है? S8। आगे दे रखा है बोरोन। बोरोन भी क्या होता है? अकेला एलिमेंट। लेकिन जो सल्फर रहेगा ना, उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटोमिक एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंधक। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर। देखो अगला क्वेश्चन। जिब्रेलिन का क्या कार्य है? बताओ, जिब्रेलिन का क्या कार्य है? बताओ इसका आंसर क्या है? तने और कोलियप्टिन में वृद्धि, टहनी के विकास को बढ़ावा देना, और देर का अपच्छेदन को रोकना। तो जो जिब्रेलिन होता है ना, वो क्या करता है? हमारी जो टहनी होती है ना, उसका क्या करता है? विकास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? बी, टहनी के विकास को बढ़ावा देना। चलो अभी आगे दे रखा, यदि एक चीज समान अंतर पर समान समय परिमाण में चलती है, तो कहा जाएगा कि वह
गति प्रकार से चल रही है, तो कौन सी गति से चलेगी? यूनिफॉर्म एक समान गति से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यूनिफॉर्म एक समान। चलो अगले क्वेश्चन, आगे दे रखा है, एक परमाणु का पूर्ण मास द्रव्यमान में स्थित होता है, किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस, केंद्र के अंदर, क्योंकि जो परमाणु होता है ना उसके मिड में कौन सा होता है? न्यूक्लियस, केंद्र होता है। बाहर क्या होती है इसकी? सेल कक्षा होती है। इसी के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और बाहर जो सेल होती है उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु रहेगा ना उसका पूरा द्रव्यमान किसमें होता है? इसके केंद्र के अंदर होता है। किसमें होता है? केंद्र के अंदर। किसके अंदर रहेगा? केंद्र। और केंद्र में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका पूर्ण मास किसके अंदर रहेगा? केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। चलो अगले कुछ देखो, इज ए लस्टर नॉन मेटल। मैंने बताया था आपको मेटल तो क्या होती है, पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने, मेटल क्या होती है? लस्टर, चमकीली होती है। लेकिन एक नॉन मेटल भी है जो एक्सेप्शन, अपवाद होता है। नॉन मेटल होने के बाद में भी क्या होती है? वो चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली। जो कौन सी होती है? आयोडीन। कौन सी होती है? आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी रहेगी? आयोडीन, जो क्या होती है? चमकीली होती है। आगे देखो, एम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो मैंने बताया था जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या होती है इसकी? सेल होती है। तो फर्स्ट सेल होती है उसको हम बोलते हैं के, सेकंड एल, फिर एम और एन। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होता है? 2n2। कौन सा होता है? 2n2। जो के रहेगा ना उसके लिए तो एन का मान 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, और एन के लिए कौन सा होता है? 4। तो आप इसमें रख सकते हो, अगर के के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 2n2। 2 1 का मान कितना रखोगे? के के लिए 1, तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसके लिए आप, किसके लिए बोल रहे हैं हमें? एम सेल के लिए। किसके लिए? एम सेल के लिए। तो एम सेल के लिए भी आप निकाल सकते हो 2n2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई, एम के लिए एन का मान कितना होता है? 3। 3 का क्या करो आप? स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान होना चाहिए सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनका फॉर्मूला कौन सा होता है? 2n2। के के लिए 1 होता है एन का मान, एल के लिए 2, एम के लिए 3, और एन के लिए 4 होता है। तो इसी से निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। देखो, इसके अंदर एम सेल में पूछा है, अगले एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है कि एल सेल के अंदर बताओ कि आप कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल की जगह आप 2n2, एन का मान कितना रखोगे? 2 रखोगे। तो उसमें क्या हो जाएगा? एल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं आप। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेयर विरल या इनर्ट निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो इनर्ट गैस होती है ना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, उसका कौन सा ग्रुप होता है? 18वां ग्रुप होता है, जिसके अंदर कौन सी आती है? नियोन। कौन सी आती है? नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडोन। कौन सी आती है? नियोन आएगी, आर्गन आएगी, जीनोन आती है और रेडोन। तो इसके अंदर आपको दे रखा है, कौन सी दे रखी है आपको? जीनोन। कौन सी है? जीनोन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जीनोन, क्योंकि जो 18वां ग्रुप होता है ना उसके जो इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना वो क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड होता है। तो ये न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है और न ही किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, इसी कारण ये क्या होती है? इनर्ट। इसी को हम क्या कौन सा बोलते हैं? इनर्ट ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है जो 18वां ग्रुप होता है। तो इसके अंदर जो भी रहेंगी वो क्या होती है? इनर्ट गैस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जीनोन। देखो अगला, कैल्विन इज द यूनिट ऑफ, कैल्विन इसका यूनिट है। तो जो कैल्विन होती है ना वो किसकी होती है? टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर की एक तो डिग्री सेल्सियस होती है, कैल्विन होती है, और फारेनहाइट, ये तीनों यूनिट किसकी होती है? टेम्परेचर की। किसकी होती है? टेम्परेचर, तापमान की। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तापमान की, कैल्विन होती है। देखो अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज, जो पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ा था ना उसके अंदर भी बताया था मैंने, एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सी होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारी शरीर को जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना, वो किस फॉर्म में मिलती है?
एटीपी की फॉर्म में, तो इसका फुल फॉर्म क्या कौन सी हो जाएगी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। देखो इलेक्ट्रिक विद्युत पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होती है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसकी कौन सी होती है यूनिट, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। आगे दे रखा है विच इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ह्यूमन जो हमारा शरीर है ना मानव शरीर उसके अंदर पीएच की रेंज कौन सी होती है, 7 से लेकर के 7.8 तक, क्योंकि 7 तो क्या होता है न्यूट्रल उदासीन होता है और 7.8 क्या रहेगा क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय, तो जो हमारा शरीर है ना वो कितने पीएच पर कार्य करता है, 7 से लेकर के 7.8 तक, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा 7 से 7.8 तक। देखो अगला क्वेश्चन आगे दे रखा है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो सभी को पता होगा कॉमन सी बात है, तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं 206, और जो चाइल्ड बच्चा होता है ना उसमें कितनी होती हैं हड्डियां 300 से भी क्या होती हैं ज्यादा होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 206। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है ना उसमें सबसे अच्छा चालक जिसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कौन सी होती है, एजी सिल्वर चांदी होती है। चांदी के बाद में किसका नंबर आता है, कॉपर का। किसका नंबर आता है, सीयू कॉपर का, क्योंकि चांदी तो क्या होती है महंगी होती है इसलिए इसकी जगह किसका यूज किया जाता है, कॉपर का। अगर आपको क्वेश्चन मिले तो कौन सा करोगे आप, एजी सिल्वर चांदी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबसे ज्यादा आसानी से फ्लो होता है। देखो आगे, किस एस बी किस रासायनिक तत्व का सूचक है, तो जो एस बी होता है ना वो किसका होता है, एंटी मनी। किसका होता है, एंटी मनी। इसमें दे रखा आपको टिन, टिन का कौन सा होता है एस एन। आगे दे रखा है लेड, लेड का क्या होता है पी बी, क्या होता है पी बी, तो ध्यान रखोगे अब एस बी किसका होता है, एंटी मनी। देखो बी सी एल टू का आबंध कोण का आकार है, तो आपसे पूछ रहा है बी सी एल टू का क्या होता है, बी बेरेलियम बीच में रहेगा, दोनों साइड क्या होती है क्लोरीन, तो इसकी आकृति तो कैसी रहेगी एकदम सीधी रेखा में, तो कौन सी रहेगी लीनियर रेखीय होती है, और जो बॉन्ड एंगल बनता है ना दोनों साइड से कितना बनता है 180 डिग्री, तो जो बी सी एल टू होता है ना उसका आबंध कोण और आकार क्या होता है, तो आबंध कोण तो कितना रहेगा 180 डिग्री, और इसकी स्ट्रक्चर संरचना कैसी होती है रेखीय होती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 180 डिग्री और रेखीय। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु नहीं है, अणु पूछ रहा है, अणु नहीं है क्योंकि एक से ज्यादा, एक तो होता है परमाणु और एक होता है अणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं अणु का, तो इसमें पूछ रहा है कि अणु नहीं है। देखो इसके अंदर भी कितना है, दो ऑक्सीजन है एक कार्बन, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे तीन, इसके अंदर दो क्लोरीन है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन, इसमें भी दो हो जाएंगे, इसमें केवल और केवल कौन सा एक कॉपर CU है, तो इसके अंदर CU तो क्या रहेगा परमाणु, लेकिन HCl CO2 और Cl2 क्या हो जाएंगे अणु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल, तो इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है CU कॉपर। देखो चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब में गैस का आयतन के समानुपाती होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, HSS इसमें से क्वेश्चन पूछता है, एक होता है बोयल का नियम, सेकंड चार्ल्स और एक गैलुसेक का नियम, तो इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की, आपको ध्यान रखना है पी वी टी, इससे ध्यान रखोगे पी वी टी, पी से वी को मिलाना है आप वन नंबर दोगे, वी को टी से मिलाना है सेकंड नंबर दोगे, पी को किससे मिलाना है टी से, इसको कितना नंबर दोगे आप थ्री नंबर, और सेकेंड आप ध्यान रखोगे बी सी जी नियम, इसको वन नंबर टू नंबर और थ्री नंबर, आपको पीवीटी लिखना है, पी और वी को मिलाओगे वन नंबर, वी से टी को सेकंड नंबर, वी से टी को मिलाओगे तो थ्री नंबर, पी से टी को मिलाओगे तो थ्री नंबर, और ध्यान रखोगे बीसीजी नियम, बी को वन नंबर, सी को सेकंड, जी को थर्ड नियम। अब देखो बी फर्स्ट ले रहे हैं हम, बी से क्या रहेगा बोयल का नियम, बोयल्स लॉ, बोयल नियम। अब देखो बोयल नियम के अंदर क्या होगा, वन नंबर किसको दे रहे हैं हम, पी और वी को, तो ये पी और वी, P का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, P का मतलब प्रेशर दाब होता है, V का मतलब वॉल्यूम आयतन होता है, T का मतलब टेम्परेचर तापमान होता है, तो देखो ये जो बोयल्स का लॉ रहेगा वो किसके अंदर संबंध बताता है, P और V में, P मतलब दाब में, V मतलब आयतन में, T क्या रहेगा इसमें कॉन्स्टेंट क्या होता है
नियत होता है, टेम्परेचर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। टेम्परेचर क्या होता है, इसमें नियत होता है। तो ये किसमें संबंध बताएगा, पी और पी में। जो पी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, आयतन के। ये ध्यान रखोगे बॉयल्स लो के अंदर। सेकंड मैं लिखता हूं, सेकंड क्या दे रखा हमें, सी। सी का मतलब कौन सा रहेगा, चार्ल्स का नियम। कौन सा रहेगा, चार्ल्स नियम। अब चार्ल्स नियम के अंदर जो सेकंड नंबर है वी और टी के अंदर, तो पी क्या रहेगा, इसके अंदर नियत होता है, प्रेशर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। और किसमें संबंध बताता है, वी आयतन के अंदर और तापमान के अंदर। वी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दाब किसके समानुपाती होता है, तापमान के। थर्ड नियम ध्यान रखोगे आप, कैलुसेक का नियम, कैलुसेक नियम। देखो कैलुसेक नियम के अंदर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर वी पी और टी, दाब और तापमान में संबंध बताया। वी क्या रहेगा, इसमें भी नियत होता है, स्थिर होता है। ये किसमें बताएगा, पी और टी के अंदर। पी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसमें पी साइलेंट रहेगा, ऊपर वाले में क्या आएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आएगा इसमें, चार्ल्स के नियम में, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है जो बॉयल्स नेम रहेगा उसके अंदर तो क्या रहेगा, पी और वी के अंदर संबंध रहेगा। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, आयतन। इसका मतलब ये है कि आयतन को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को अगर कम करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब में गैस का आयतन, स्थिर क्या रहेगा, दाब। जो चार्ल्स का नियम है ना उसके अंदर स्थिर क्या होता है, दाब। स्थिर दाब में गैस का आयतन, गैस का आयतन के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, टी टेम्परेचर या तापमान के समानुपाती। तो आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हो, पी वी टी एक नंबर देना, दो नंबर और थ्री नंबर, और बी सी जी नेम ध्यान रखना है, बी को वन नंबर, सी को टू, जी को थ्री नंबर। इसी से तीनों नेम याद हो जाएंगे क्योंकि एच एस एस इसमें से क्वेश्चन पूछता है। देखो अगला क्वेश्चन, डीएनए अणु का आकार होता है। तो डीएनए अणु क्या होता है, डबल हेलिक्स। कैसा होता है, डबल हेलिक्स, ऐसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। और ये डबल हेलिक्स किसने दी थी, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक नाम के जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने क्या दी थी, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो मीथेन के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या, जो मीथेन होता है ना उसका फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। एक तो कार्बन होता है, चार क्या होते हैं इसमें, हाइड्रोजन। एक कार्बन चार हाइड्रोजन मिलकर के कितने हो जाएंगे, पांच। तो इसमें कितने होते हैं, पांच परमाणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, पांच, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। देखो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त, मानव शरीर में रक्त शरीर के सभी अंगों में की आपूर्ति करता है। तो जो ब्लड होता है ना हमारे शरीर में क्या करता है, लंग से किसको लेकर के आता है, ऑक्सीजन को, और हमारे क्या करता है, शरीर में आपूर्ति करता है। तो सही आंसर ऑक्सीजन। देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखो मीथेन क्या रहेगा, CH4, वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो CH4 में एक कार्बन चार हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे, पांच। H2O में दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, कितने हो जाएंगे, तीन परमाणु। HCl में क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन, कितने हो जाएंगे, दो। H2SO4 में दो हाइड्रोजन एक सल्फर, चार ऑक्सीजन, चार और दो छह और एक, इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, सात। तो हमें क्या पूछ रहा है, लिस्ट नंबर, सबसे कम परमाणु की संख्या किसमें रहेगी, इसमें पांच, तीन, दो और एक। तो किसमें रहेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन, कार्बन के कई यौगिकों का नाम आईपीएससी शब्दावली के आधार पर रखा जाता है, आईपीएससी का विस्तर। क्योंकि जो भी पहले क्या लिखा जाता था, इनका कॉमन नेम, जो भी जो कंपाउंड होते थे उनका क्या लिखा जाता था, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होते थे, देशों के अनुसार, इंडिया में अलग नाम हो गया, अमेरिका में अलग, लेकिन सभी देशों ने मिलकर के फिर क्या बनाया, आईपीएससी संस्थान। इसके अंदर जो नाम रहेगा वो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही बोला जाएगा। तो आईपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो अगला क्वेश्चन, कंडेला इज ए यूनिट ऑफ, तो कंडेला किसकी होती है, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको हम किसमें मापते हैं, कैंडेला में। किसमें मापते हैं,
कैंडेला, तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किस, वो कैंडेला किसकी यूनिट होती है, प्रकाश की तीव्रता की, तो लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो अगला, निम्नलिखित में से गैस का तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से गैस को तरल में, देखो एक तो रहेगा ठोस सॉलिड, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, ये तो रहेगी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो आपको पता होना चाहिए जो सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं तो क्या होता है, गलन या संगलन, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन, क्या बोलेंगे फ्यूजन। अगर हम क्या करें, लिक्विड से किस में चेंज करें, गैस के अंदर, द्रव से किस में चेंज हो, गैस के अंदर, तो क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन, क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। और गैस से ठोस में चेंज होता है तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है गैस से ठोस, डिपोजिशन, निक्षेपण, डिपोजिशन, क्या बोलेंगे निक्षेपण। इसके विपरीत भी होता है, ठोस से किस में चेंज करो आप, ठोस से लिक्विड हो गए, लिक्विड से किस में चेंज करो, ठोस में, तो क्या कहलाता है सोलिडिफिकेशन, क्या कहलाता है सोलिडिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं जमना। वापस से क्या करो, गैस से लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, तो गैस से अगर किस में चेंज करोगे आप, लिक्विड के अंदर चेंज करते हो तो क्या कहलाता है कंडेंसेशन, क्या कहलाएगा कंडेंसेशन, जिसे हम बोलते हैं संघनन, क्या बोलते हैं संघनन। अगर क्या करें हम, ठोस से अगर गैस में करते हैं तो क्या होता है सब्लिमेशन, क्या होता है सब्लिमेशन, जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, क्या बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल, तरल को मतलब लिक्विड, लिक्विड गैस को लिक्विड में, तो गैस को किस में चेंज करना है आपको, लिक्विड में, तो गैस को जो लिक्विड में चेंज करता है वो क्या कहलाता है कंडेंसेशन या संघनन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, कंडेंसेशन। तो ये ध्यान रखना आपको इन ऑर्डर। देखो अगला क्वेश्चन, दूरदर्शी को के रूप में भी जाना जाता है, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है दूर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दीर्घदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा रहेगा हाइपरमेट्रोपिया। देखो अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या होता है, तो जो जो एंजाइम होते हैं ना वो क्या होते हैं, जैसे अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, यूज करते हैं, तो तब तो ये क्या कहलाते हैं कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। अगर ये, और जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर यही उत्प्रेरक किस में यूज किए जाए, अगर हमारे शरीर में यूज किए जाते हैं, तब क्या कहलाते हैं बायो कैटेलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। तो इसका करेक्ट आंसर जैव उत्प्रेरक। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निर्धारित करता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया घटित हुई है, तो पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, तो इसमें क्या होता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में मतलब ठोस से किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, द्रव में चेंज हो जाए, गैस द्रव में, तो क्या होती है रासायनिक रिएक्शन होगी। रंग में परिवर्तन, रंग में चेंज हो जाए, रेड कलर से कैसा हो जाए नीला, नीले से रेड, जो भी कलर चेंज होगा उसमें क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो भी क्या होती है अभिक्रिया होती है, क्योंकि अभिक्रिया क्या होती है, एक तो ऊष्मा क्षेपी भी होती है जिसमें ऊष्मा क्या होती है बाहर निकलती है, एक ऊष्मा शोषी भी होती है जिसमें क्या होती है ऊष्मा अवशोषित होती है, तब भी क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयोग सभी। देखो अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कोहरे, जंगली छल्ले और गीसर वाष्प आदि होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है, तो वो क्या होते हैं प्राकृतिक एरोसोल, नेचुरल एरोसोल। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, प्राकृतिक एरोसोल। देखो अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ को खुले में रखने पर हवा अवशोषित करने के गुणधर्म को कहा जाता है, तो जो हवा को जो अवशोषित होता है ना वो क्या होता है, हवा का मतलब रहेगा यहाँ पर, हवा को अवशोषित करना मतलब ऑक्सीजन को अवशोषित करना, और ऑक्सीजन को अवशोषित करना ही क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑक्सीडाइज प्रसवेदन, क्या रहेगा प्रसवेदन, वेदन करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा ऑक्सीडाइज। अगर हाइड्रोजन को अवशोषित करते हैं तब क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं अपचयन। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु शहर की हवा को प्रदूषित करती है, तो कौन सी करती है लेड, कौन सी करती है लेड, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं पीबी।
अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व कहाँ पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो हमारी आइस होती है ना, वो आइस से किसमें चेंज हो, वाटर के अंदर चेंज होती है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर चेंज होती है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या, कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस आएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इसका घनत्व अधिकतम बढ़ जाता है। तो क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। देखो अगला, सोडियम क्लोराइड का लवण का जलीय विलयन होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, NaCl, वो क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन। कैसा होता है? उदासीन, क्योंकि ये किससे निर्माण होता है? एसिड अम्ल की रिएक्शन किससे कराते हैं हम? बेस क्षार से कराते हैं, तब क्या बनता है हमें? साल्ट लवण बनता है, प्लस में क्या बनता है? H2O, वाटर जल बनता है। और इसे हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रेलाइजेशन। कौन सी बोलते हैं? न्यूट्रेलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जो NaCl होता है वो कैसा होता है? उदासीन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? न्यूट्रल उदासीन, जिसका पीएच कितना होता है? 7। 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होती है? मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक भी, सक्रियता श्रेणी, इसमें ध्यान रखना आपको। जो सबसे ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। और नीचे क्या होते हैं? लिस्ट रिएक्टिव। सबसे नीचे कौन सी होती है? Ag और Au। सबसे ऊपर कौन सा होता है? पोटेशियम सोडियम। कौन से होते हैं? पोटेशियम और सोडियम। ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इनको क्या करते हैं हम? कैरोसिन में डुबो कर रखते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनसे ऊपर होती है मरकरी, Hg। तो आपसे पूछ रहा है जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, इसके मिड में कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तो इससे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होती है? तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी रहेगी इनमें से? जिंक, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर। तो कौन सी होती है इनमें से, कौन सी मेटल रहेगी? कॉपर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? कॉपर मेटल। क्या होता है? कॉपर, क्योंकि प्लेटिनम भी नीचे होती है, सिल्वर भी और जिंक भी। तो करेक्ट आंसर है कॉपर। देखो अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो इनमें से कौन सी अधातु होती है जो कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। तो वो कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन के अलावा जो मरकरी होती है ना, Hg, वो भी कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। किसमें होती है? लिक्विड स्टेट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ब्रोमीन। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एस्टर का सूत्र है? तो जो एस्टर होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O O R। इसमें दे रखा आपको RCOOR, RC OO और R। देखो, एक R हो गया, एक कार्बन, एक R एक कार्बन, दो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और वापस से R। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। RH होता है ना, ये क्या होता है? एल्केन। क्या होता है? एल्केन। RCOR, RCOR क्या रहेगा? कीटोन। क्या होता है? कीटोन। और ROR क्या होता है? इथर। क्या होता है? इथर। तो आपको पूछ रहा है एस्टर, तो एस्टर का क्या होता है? RCOOR। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कीटोन का सूत्र है? पूछ लिया ना वापस से। तो कीटोन का कौन सा रहेगा? RC डबल बॉन्ड O R। तो R रहेगा C, R और C, O और R, O और R। करेक्ट आंसर RCOR। वापस ये एस्टर हो जाएगा। ये CHO होता है ना, ये किसका होता है? एल्डिहाइड का। किसका रहेगा? एल्डिहाइड का। अगर OH मिलता है ना आपको, तो ये किसका होता है? एल्कोहल का। किसका होता है? एल्कोहल। देखो, सामान्य सूत्र CnH2n-2 निम्नलिखित में से किस वर्ग को यौगिकों को दर्शाता है? तो मैंने बताया था आपको CnH2n+2 आता है तो एल्केन। किसका होता है? एल्केन का। CnH2n किसका होता है? एल्कीन का। किसका रहेगा? एल्कीन। और CnH2n-2 किसका होता है? एल्काइन का। किसका रहेगा? एल्काइन का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? C, एल्काइन। देखो अगला,
निम्न में से कौन सी धातु तनु अमल के साथ अभिकृत होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस नहीं करती? कौन सी होती है? मरकरी। क्योंकि मरकरी जो सक्रियता सरणी होती है उसमें कहाँ पाई जाती है? मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम से कहाँ होती है? नीचे। तो ये इसके साथ अमल के साथ हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस नहीं करती। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? मरकरी। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता? उसमें मेटल पूछ रहा था, इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपको? एसिड पूछ रहा है। तो एसिड के अंदर कौन सा आएगा? नाइट्रिक अमल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? नाइट्रिक अमल। देखो अगला क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा अपरूप मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण एक अच्छे विद्युत सुचालक के रूप में होता है? तो मैंने बताया था आपको कार्बन के तीन अपरूप होते हैं, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ग्रेफाइट। देखो अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह अमाइन, अमाइन होती है, अमाइन को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा? तो अमाइन का कौन सा होता है? NH2। जो OH रहेगा वो किसका होता है? एल्कोहल का। किसका होता है? एल्को। CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। CN किसका होता है? साइनाइड का। किसका होता है? साइनाइड, साइनाइड। और NH2 किसका रहेगा? अमाइन का। करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए, अमाइन। देखो अगला क्वेश्चन, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिकृत करने पर कौन सा कार्बनिक यौगिक बनता है? एल्कोहल क्या रहेगा? ROH+ में। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा रहेगा? RC(OOH)। इसमें से क्या करना है? OH और H को बाहर करना है आपको। अब जोड़ के लिख दो आप ROC(OR), और इसी को क्या लिख सकते हैं हम? RC(OR), जो क्या होता है? एस्टर। क्या होता है? एस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? एस्टर। जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है हमारे पास? एस्टर बनता है। देखो अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का मुख्य एस क्या है? तो जो एल्यूमिनियम का एस कौन सा होता है? बॉक्साइड। कौन सा होता है? बॉक्साइड। देखो अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ होती है तो आपको जो जो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ, ड्राई आइस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगला क्वेश्चन, शीशा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जो पेंसिल होती है ना, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। किसी बनेगी? ग्रेफाइट की। ये भी ध्यान रखोगे आप। विभवांतर की SI इकाई है, पहली बात कही, विभवांतर की कौन सी होती है? वोल्ट। कौन सी रहेगी? वोल्ट। तो करेक्ट आंसर बी, वोल्ट। आगे देखो, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के कारण होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आकाश का नीला रंग होता है ना, वो किसके कारण दिखाई देता है? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। जो अपवर्तन होता है ना, इसके कारण तो क्या होते हैं? जो तारे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा? प्रकीर्णन के कारण हमारे को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, ब्लू। देखो अगला, पेरिस प्लास्टर किससे बना है? जो POP होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनेगा? जिप्सम से। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो जो नेचुरल गैस होती है ना, उसमें क्या पाई जाती है? CN गैस। कौन सी होती है? मिथेन। तो करेक्ट आंसर ये मिथेन। चलो अगले क्वेश्चन, देखो, सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में प्रास होता है, तो जो हमारा मानव सुनने की क्षमता होती है ना, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000, 20 से कम रहेगी तो उसको हम बोलते हैं, 20 से कम रहेगी उसको हम बोलेंगे अपसर्वे, और ये रहेगी श्रवण की, और 20,000 से ऊपर होती है तो सर्वे। तो हमारे जो कान होते हैं ना, 20 हर्ट्ज से कम रहेगी उसको भी नहीं सुन सकते, और 20,000 से ऊपर रहेगी उसको भी नहीं सुन सकते। केवल कौन सी प्रास होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक? देखो अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की
तीव्रता, तो जो फैदोमीटर होता है ना उससे क्या मापते हैं हमें सी डेप्थ, समुद्र की गहराई। जो भूकंप होता है ना उसको हम किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से। फैदोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई। देखो अगला क्वेश्चन, धुलाई का सोडा का आम नाम है, तो जो धुलाई का सोडा होता है ना वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसे हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो कौन सा रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या होता है, खाने का सोडा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। ध्वनि तीव्रतम गति करती है, तो जो ध्वनि होती है ना वो सबसे ज्यादा गति किसमें होती है, उसकी सॉलिड के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, स्टील के अंदर, क्योंकि स्टील कैसा होता है, सॉलिड। तो जो ध्वनि होती है ना उसकी तीव्रता क्या होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, स्टील के अंदर। देखो अगला क्वेश्चन, पावर लेंसों की SI इकाई क्या होती है, जो लेंस होते हैं ना उनकी SI इकाई क्या होती है, डायोप्टर। कौन सी होती है, डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर डी, डायोप्टर। देखो जर्मन सिल्वर क्या पूछ रहा है आपसे, जर्मन सिल्वर पिछली क्लास में पढ़ा भी दिया मैंने। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या होते हैं, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है और निकल, इन तीनों को मिक्स करते हैं तो कौन सी बनती है, जर्मन सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, कॉपर, जिंक एंड निकल। देखो अगला क्वेश्चन, किस धातु के फिलामेंट का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो जो हमारा विद्युत बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है ना वो, उसके अंदर कौन सा होता है, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन, जिसका सिंबल क्या होता है, W। ध्यान रखना ये। देखो अगला क्वेश्चन, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित होता है, तो जो कंपास होता है ना वो क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, दिशा बताता है। तो करेक्ट आंसर डी, डायरेक्शन। चलो अगला क्वेश्चन, देखो बिजली कड़कने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बिजली कड़कती है ना तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO2। कौन सी उत्पन्न होगी, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका रहेगा करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे, देखो रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके ऊपर निर्भर नहीं करती, कंसेंट्रेशन सांद्रता पे भी निर्भर करती है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक पे भी निर्भर करती है, टेम्परेचर तापमान पे भी निर्भर करती है, प्रेशर दब, जो प्रेशर दाब होता है ना उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, नोट, तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, डी, प्रेशर दाब। तो दाब के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कंसंट्रेशन पे भी करेगी, कैटलिस्ट पे भी और टेम्परेचर पे भी निर्भर करती है। चलो अगले क्वेश्चन, ग्लास निम्न का मिश्रण होता है, तो जो ग्लास होता है ना वो किसका मिश्रण होता है, रेत एंड सिलिकेट का। किसका होता है, रेत एंड सिलिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर सी, रेत एंड सिलिकेट। देखो अगला क्वेश्चन, मरीचिका एक उदाहरण, मरीचिका क्या होती है, जैसे गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं हम, सड़क पर चलते हैं तो सब सड़क के सामने में क्या दिखाई देता है, जैसे सड़क के ऊपर ही क्या भरा हो, पानी होता है, तो वो किसके कारण होता है, उसके में क्या होता है, अपवर्तन भी होता है और क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और लाइट, प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, सी। प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है, तो जो प्रकाशीय फाइबर होती है ना उसके अंदर क्या होता है, जो फाइबर होती है उसके अंदर जो सिग्नल जाते हैं उसमें कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, केवल कौन सा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, तो जो विद्युत धारा है ना वो कौन उत्पन्न करता है, जनरेटर। कौन करता है, जनरेटर, ये ध्यान रखना आप। चलो अगला क्वेश्चन, वल्कनीकरण एक है, जो आलम्बकियों का अध्ययन, बहुलकों को डिग्रेड करने की विधि, वोल्टीय सेलों के निर्माण से जुड़ी एक प्रक्रिया है, सल्फर के साथ क्रम करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। तो वल्केनाइजेशन, वल्कीकरण किसको बोलते हैं हमें, जो रबर होता है ना वो क्या करता है, रबर का क्या होता है, छीर दूध से प्राप्त होता है, दूध से क्या करते हैं, रबर का प्लांट आता है जिससे छीर दूध प्राप्त होता है, उससे क्या होता है, रबर बनता है। लेकिन जो रबर बनता है ना वो कैसा होता है, दुर्बल होता है, वो पानी एसिड उनके प्रति क्रियाशील नहीं होता। लेकिन क्या करते हैं, हम रबर को किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है,
वल्कनीकरण, और वल्कनीकरण के बाद में जो रबड़ होता है वो क्या होता है, उसकी उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी हर चीज से टकराने की, क्या होती है ज्यादा, तो क्या होता है सल्फर के साथ गर्म करने को ही क्या बोलते हैं हमें, वोल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया। चलो अगले क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प ईथर का सूत्र दर्शाता है, तो मैंने बता दिया आर सी ओ आर, तो क्या होता है कीटोन, किसका रहेगा कीटोन का, आर सी ओ आर किसका होता है एस्टर का, किसका रहेगा एस्टर का, आर ओ आर किसका होता है ईथर का होता है, किसका होता है ईथर का, आर सी एच ओ किसका होता है एल्डिहाइड का, किसका रहेगा एल्डिहाइड का, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा सी ओ आर, कौन सा सी ओ आर नहीं आर ओ आर, ईथर का कौन सा रहता है आर ओ आर, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, मैंने आपको 2015 से 2021-22 तक HSSC के एग्जाम्स के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने जहां तक मेरी कोशिश रही उनको हम आपको कंप्लीट करा दिया। आपको इस PDF को अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, क्योंकि HSSC क्या करती है जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को क्या करती है बार बार पूछती है। तो आपको इनको, इस PDF को, इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जो हमारा चैनल है ना जीके भाई मालाराम सर, इसको क्या करना है आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।